चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये दिवाली आपके घर पर ढेर सारी खुशियां लेकर आए। सो गाइस, हमारी ये नए घर पर पहली दिवाली है और सुबह से सारे घर के काम जैसे चलते हैं वही चल रहे थे, सफाई एंड ऑल। सो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं रंगोली बनाने वाली हूँ। इस बार मैं कलर्स की रंगोली नहीं बनाने वाली हूँ, मैं फूलों की रंगोली बनाने वाली हूँ, बिकॉज मेरे घर पर जो छोटा बेबी है वो कलर वाली रंगोली को एकदम से फैला देगा। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हम जो है फूलों की ही रंगोली बनाएंगे। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ पर रंगोली बनाना शुरू करती हूँ। साथ में हमारे यहाँ पर चावल के आटे की भी रंगोली बनाई जाती है, तो शुभ के तौर पर मैं चावल के आटे की भी थोड़ी सी रंगोली बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रंगोली बना लेती हूँ। सो आपको भी मैं दिखाती हूँ कैसे मैं साइड बाय साइड यहाँ पर रंगोली बनाने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ पर रंगोली बनाने का ऑलमोस्ट सारा सामान रख दिया है, तो जल्दी से अब रंगोली बना लेते हैं। मैं और अमायरा पहले ही रेडी हो गए थे, बिकॉज़ यू नो गर्ल्स को रेडी होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, और अमायरा रंगोली को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बार बार रेडी होते हुए भी मुझसे कह रही थी मम्मा मुझे रंगोली बनानी है। तो यहाँ पर अमायरा मेरी पूरी हेल्प करने में लग गई थी। रंगोली बनाने के लिए फ्रेश फूलों के साथ साथ मैंने कुछ आर्टिफिशियल फूल भी यूज़ किए हैं। डेकोरेशन के लिए कुछ मालाएं मैंने दीवार पर हैंग की थी, तो मुझे एक्चुअल गैप पता नहीं चल रहा था, तो मैं जैसे भी पूछ रही थी कि कितना गैप मैं इन मालाओं के बीच में रखूं, और जय भी मेरी हेल्प कर रहे थे। दिवाली मीन्स सजावट, रंगोली, लाइट्स एंड गिफ्ट्स। दिवाली वाले दिन ना घर का पूरा लुक चेंज हो जाता है। मैं रंगोली खुले से एरिया में बनाना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ से डाइनिंग टेबल अपनी ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर दिया था, ताकि मुझे एक अच्छा सा स्पेस मिल जाए और मेरी रंगोली जो है वो खुली खुली अच्छी सी भरी भरी सी बन जाए। सो अभी मेरी डेकोरेशन आधी भी नहीं हुई थी और मेरा बेटा एकाक्ष रोने लग गया था, अभी उसको मम्मा के पास आना था। तो जय ने कहा मैं रंगोली बनाने में हेल्प करता हूँ, तुम इसे थोड़ी देर के लिए देख लो। तो यहाँ पर जय मेरी हेल्प करवाने लग गए थे। सो फ्रेंड्स, हमने मिलकर जल्दी से अपनी 10 मिनट में रंगोली बना ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी कैसी रंगोली बनी है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये फूलों की रंगोली बनाई है, जय और अमायरा दोनों ने ही मेरी हेल्प की है। बस थोड़ी देर में इनमें दीपक लगाकर जलाएंगे हम लोग। घर की एंट्रेंस पर और मंदिर में मैंने चावल के आटे की रंगोली बनाई थी। चावल के आटे में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने एक घोल बना लिया था, बस उसी से मैं यहाँ पर रंगोली बना रही थी। हमारे यहाँ पर शुभ के तौर पर चावल के आटे की रंगोली बनाते ही बनाते हैं, तो मेन जो है वो चावल के आटे की रंगोली मेन एंट्रेंस पर और मंदिर में बनाई जाती है। मैंने छोटी सी रंगोली अपनी एंट्रेंस पर और मंदिर में चावल के आटे से बना दी थी, उसके बीच में स्वास्तिक बनाया था। लक्ष्मी माता के चरण बनाने के लिए मैंने कुमकुम लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और एक थिक सा पेस्ट मैंने बना लिया था। हर बार लक्ष्मी जी के चरण मैं ही बनाती थी, बट इस बार मैं चाहती थी कि अमायरा जो है लक्ष्मी माता के चरण बनाए, तो बस वही इंस्ट्रक्शंस मैं इसे यहाँ पर दे रही थी कि कैसे लक्ष्मी माता के चरण हमें बनाने हैं। अमायरा की दोनों हाथों की मुठियाँ मैंने बंद करवाई और वो मुठियाँ मैंने कुमकुम में डुबो दी और उनका इंप्रेशन हमने ज़मीन पर दे दिया, और बहुत ही क्यूट माता के चरण अमायरा के हाथों से यहाँ बने। एक लक्ष्मी ने दूसरी लक्ष्मी के स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर चरण बना दिए थे।
जब मैं छोटी थी ना तो लक्ष्मी जी के चरण मेरी मम्मा भी हमारे हाथों से इस तरह से ही बनवाती थी, और देखो आज मैं अपनी बेटी से सेम वे से लक्ष्मी माता जी के चरण बनवा रही थी। और यू नो व्हाट, जब मैं अमायरा को बता रही थी कि लक्ष्मी जी के चरण ऐसे बनाने हैं, तो वो मुझसे पूछ रही थी, मम्मा आपको किसने बताया ऐसे माता जी के चरण बनाए जाते हैं? तो मैं सेम वे से उसको बता रही थी कि नानी भी हमसे ऐसे ही बनवाती थी। यू नो, अमायरा पूरा जोर लगा के चरणों का इम्प्रेशन लगा रही थी। उसे लग रहा था कि इम्प्रेशन जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए, और बहुत ही क्यूटली उसने पूरे घर में माता के चरण बना दिए थे। एकाक्ष भी रेडी हो गया है, यस, और इसको वायरल फीवर हो गया है। अब देख सकते हो चेहरे से ही पता चल रहा होगा, करवा चौथ के टाइम भी ये बीमार हो गया था और अब भी ये बीमार हो गया है। यस यस मामा, कुछ स्माइल। 6 बज गए हैं और अब हम दिए जलाने वाले हैं। जय यहाँ पर दिए जला रहे हैं। भले ही कितने फैंसी दिए मार्केट में आ गए हों, बट हम हर साल मिट्टी के दिए लेते ही लेते हैं, बिकॉज हमने बचपन से ही इन दियों के साथ अपनी दिवालियाँ मनाई हैं। एंड आई थिंक नथिंग कैन बीट द चार्म ऑफ दीज मिट्टी के दिए। एंड यू नो, दिवाली पर रंगोली तो मुझे बहुत पसंद है ही, बट दिए जलाना मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद है। और दिवाली वाले दिन हमारी सोसाइटी का व्यू कुछ इस तरह का था। घर के बाहर दिए जलाने के बाद मैंने और अमायरा ने घर के अंदर दिए जलाए। सारे दिए जलने के बाद घर की रंगोली और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त था। दीपक जलाने के बाद हमने यहाँ पर लक्ष्मी पूजन किया और साथ में मिलकर आरती की। पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में चली गई थी और डिनर के प्रिपरेशन में लग गई थी। हिमाचल में हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मंडी में दिवाली पर चिल्डू बनते हैं। ये एक ट्रेडिशनल फूड है। चिल्डू बेसिकली चावल के आटे का बनता है, जैसे डोसा बनता है बस उसी तरह का बैटर यहाँ पर बनता है, और डोसा की शेप में ही हम इसे बनाते हैं। इसे दाल और दूध के साथ खाया जाता है, साथ में बहुत सारा देसी घी भी डाला जाता है। माँ की दाल और खीर मेरी बन चुकी थी और चिलड़ू भी यहाँ बनकर रेडी हो गए थे। सबसे पहले मैंने ठाकुर जी की भोग की थाली रेडी कर दी थी। जय ने भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद हमने भी डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद हम अपनी सोसाइटी में नीचे पटाखे चलाने के लिए चले गए थे। सोसाइटी के सब लोग पटाखे फोड़ने के लिए नीचे आ गए थे। मेरी फ्रेंड्स सब रेडी होकर यहाँ पर बच्चों के साथ पटाखे फोड़ने के लिए नीचे आ गई थी। सब एक्साइटेड थे, हैप्पी थे। मैंने शगुन के तौर पर एक फुलझड़ी चलाई, जो कि मेरा फेवरेट पटाखा है। मैं उसके अलावा कोई पटाखा नहीं फोड़ती हूँ। और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, बिकॉज मेरा बेटा एकाक्ष बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। एक तो पटाखों का शोर था और ऊपर से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जय और अमायरा ने नीचे रुककर खूब मज़े किए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा दिवाली सेलिब्रेशन ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड आई होप आपने भी अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। सो गाइज, ये ब्लॉग यहीं एंड होता है। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।